Next. 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 हाँ, अब देखिए जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, ये स्लाइड दिखा के ये विषय मैं यही खत्म करूंगा. वन थर्ड ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड हैज गॉन आउट ऑफ द कल्टीवेशन इन मद्रास प्रेसिडेंसी ड्यू टू एक्सटॉर्शनेट गवर्नमेंट लैंड टैक्स. 1854 की रिपोर्ट है. 1854 तक पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी की एक तिहाई जमीन लोगों ने करना छोड़ दिया भयंकर टैक्स होने के कारण 1854 में. और फिर 1910 में आते आते आधे से ज्यादा जमीन छोड़ दिया. वही जमीन मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि ये सब बंजर आज हमें दिखाई दे. करीब 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन आज है इस देश में जो बिना खेती के पड़ी हुई है सालों से, वो इन्हीं कानूनों के कारण. तो ऐसी तो लगभग 50,000 स्लाइड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको मैं नहीं दिखाना चाहता. मैंने आपको 25-30 दिखाई है ताकि आपको ख्याल आ जाए कि जब बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है किसी समाज से तो दुष्परिणाम क्या होता है. इसलिए वैट टैक्स का हम लोग जो विरोध कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जरूरत से ज्यादा टैक्स समाज से लेना देश के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है. सरकार के लिए हो सकता है अच्छा हो लेकिन देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है. इसलिए आज अगर हम इसको विरोध करके रोक लें तो अच्छा है, नहीं तो आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा खतरनाक कानून आएंगे और फिर अंग्रेजियत वापस आ जाएगी. बस इतना ही फर्क है कि पहले गोरे अंग्रेजों के द्वारा वो सब किया गया था, अब काले अंग्रेज ही ये सब करेंगे इस देश में. आप पूछेंगे ये सब जानबूझ के कर रहे हैं क्या, समझबूझ के कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो इतना समझदार हैं, उनको ये सब नहीं समझता जो मुझे समझता है? या चिदंबरम जो इतना बड़ा कानून का विशेषज्ञ है, इतना बड़ा वकील है, उसको ये सब नहीं समझता जो हमें समझता है? उसको सब समझता है. फिर वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा इसका एक ही जवाब है कि जहांगीर को भी समझता था कि ये विदेशी आएंगे तो देश को लूट के ले जाएंगे, फिर भी जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था. जब उससे पूछा गया तो उसने कहा था मेरा फायदा था इसमें, मुझे टैक्स मिलने वाला था, तो मेरा फायदा होता है, मेरी पार्टी का फायदा होता है, इसके लिए हम ये सब करते जाएंगे. अब इनका फायदा क्या होता है? अगर वैट आएगा तो सारा का सारा फायदा होगा बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को. कैसे होगा? उन कंपनियों का उत्पादन और बिक्री एक ही चैनल में है पूरा, उनके यहां वैल्यू एडिशन नहीं होता है. जैसे बाटा कंपनी है ना, माल फैक्ट्री में बनता है और रिटेल शॉप में आके बिकता है, तो बीच में कहीं वैल्यू एडिशन नहीं होता. एक ही कंपनी का रिटेल शॉप है, उसी कंपनी की फैक्ट्री है. तो बाटा को सबसे ज्यादा लाभ है वैल्यू एडिशन टैक्स से. तो बाटा माने विदेशी कंपनी, और ज्यादातर विदेशी कंपनियां अपनी दुकानें खोलने जा रही हैं इस देश में इस साल से, तो उनको ही सबसे ज्यादा लाभ है. और उनको लाभ है तो वो नेताओं को चंदा देने वाले हैं चुनाव लड़ने के लिए, और नेता उसी चंदे के लिए परेशान. तो ज्यादा से ज्यादा इनको लाभ पहुंचाओ, फायदा पहुंचाओ, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा मिले, हमको मिले, हमारी पार्टी को मिले. और पार्टी इन्हीं के चंदों पर चलती है. कोई राजनीतिक पार्टी जनता से पैसा नहीं लेती आजकल अपने को चलाने के लिए, फिर भी एक एक पार्टी चुनाव में 2,000, 3,000 करोड़ खर्च करती है, तो इन्हीं कंपनियों से लेते हैं. तो कंपनियों का बिजनेस जितना बढ़ेगा पार्टियों को उतना ज्यादा मिलेगा, पार्टियों को जितना मिलेगा सरकारें वही करने वाली हैं. इसलिए ये सब जोड़ तोड़ करके वैट का लाना, नए नए कानून बनाना हो रहा है. अब प्रश्न हमारे सामने है कि या तो हम इसका विरोध करें, नहीं तो थोड़े दिन के बाद वो हालत होने वाली है जो अंग्रेजों ने की थी इस देश में. और गांधी जी कहते थे कि अगर गलत कानून का विरोध कोई समाज नहीं करता है तो उसको गुलाम होने के लिए हमेशा अभिशप्त रहना पड़ता है. ये गांधी जी कहते थे. तो आज फिर गलत कानून बनने जा रहे हैं, अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो बार बार ऐसी गुलामी में फंसेंगे. तो हम पूरी ताकत लगाकर वैट का विरोध करें. कुल जमा निष्कर्ष ये है, क्योंकि ये बहुत खराब कानून है जो आ रहा है. अंग्रेजों ने जैसे जबरदस्ती टैक्स वसूले थे वैसा ही इन्होंने.
और हम विरोध करें, व्यापारी विरोध करें, उद्योगपति विरोध करें, तो थोड़े दिन में क्या होगा? सरकार के सामने अगर भयंकर विरोध है तो फिर सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी, और सरकार इसको वापस करेगी तो धीरे धीरे दूसरे कानून भी फिर वापस होंगे, और अगर ये लागू हो गया तो इससे भी ज्यादा खराब नए कानून आएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से बैठ के विरोध में अभियान चलाया। उत्तर भारत में काफी सफल ये कि जितना अभियान चलाया उसका परिणाम ये है कि उत्तर भारत में बैठ नहीं आए, उत्तर प्रदेश में नहीं है बैठ, और उत्तर प्रदेश को देख के फिर तमिलनाडु में नहीं, और ऐसे 12 राज्यों में नहीं, तो बाकी राज्यों में भी ये अभियान चलेगा तो ये वापस हो सकता है। असंभव मैंने आपसे कहा, दुनिया में कुछ नहीं बोला। अगर ये सरल सरल बातें, सीधी सीधी बातें व्यापारियों को समझा दी जाए, वही इतना जबरदस्त आंदोलन कर लेंगे कि सरकार की तकलीफ हो जाए। कल मैं धमदा गया था तो धमदा में सभा थी व्यापारियों की, तो व्यापारियों ने सुनने के बाद ये कहा कि राजीव भाई आप अगर 1 अप्रैल के पहले आ जाते तो हम धमदा वाले भी पूरा बंद करते, हमने नहीं किया था। वो खुद बता रहे थे कि 1 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद था, हमने धमदा बंद नहीं किया, हमें मालूम ही नहीं बैठ क्या है और इससे हमारा क्या नुकसान है। किसी ने हमें समझाया नहीं, किसी ने आके बताया नहीं। कल उनके बीच जब मैंने व्याख्यान किया तो उन्होंने कहा ये इतना खराब है, अगर हमको मालूम होता तो हम तो 1 अप्रैल को सब बंद करते और दूसरों से भी करवाते। माने अधिकांश व्यापारियों को मालूम नहीं है बैठ कितना खराब है, और व्यापारी तो छोड़ दो, जिस ग्राहक पे लगने जा रहा है उसको नहीं मालूम है बैठ कितना खराब। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें, उनको समझा सकें, इस दृष्टि से फिर एक अभियान की जरूरत है। जैसे सवेरे मैंने कहा ना किसानों के बीच एक अभियान की, वैसे ये एक अभियान व्यापारियों के बीच, उद्योगपतियों के बीच, उपभोक्ताओं के बीच चलाने की। अब इसमें क्या है कि ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं ये सब सीडी में उपलब्ध है, आपको अगर इंटरेस्ट हो तो ये सब सीडी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक और सीडी हम बना रहे हैं, वो वैट के ही बारे में है, वैट का एक एक प्रोविजन, जैसे इसमें लिखा है ना वैट का क्या है प्रोविजन, क्या उसका दुष्परिणाम है, वो हम बना रहे हैं। 2-3 दिन में वो भी मिल जाएगी, उस पर किताब भी लिख रहे हैं, वो भी मिल जाएगी। हमें क्या करना है उसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता लानी है वैट के विरोध में और गैट के विरोध में, तब शायद थोड़े दिन में पूरे देश में अगर जागृति आई तो कोई सरकार में दम नहीं है। सरकार तभी लागू कर पाती है ये सब जब लोगों को पता नहीं रहता, और देर हो जाए फिर विरोध करने का आधार नहीं रहता। जब भी ताजा ताजा है आप विरोध करो तो वापस लेना पड़ता है। हाँ हाँ, देखिए हरियाणा में क्या हुआ था, 2 साल पहले उन्होंने वैट लगाया, सबसे पहला मुख्यमंत्री चौटाला जिसने वैट लगा। 2 साल में जनता इतनी परेशान हो गई, व्यापारी इतने हैरान परेशान हो गए कि उन्होंने तय कर लिया कि चौटाला को हराना। तो चौटाला 2/3 बहुमत से चीफ मिनिस्टर बना था, आज ये हालत है कि उसके पास 9 सीट भी नहीं है, 10% सीट भी नहीं है, जिसके पास 2/3 बहुमत था। 2/3 बहुमत का मतलब समझते हैं 70% से ज्यादा सीट, अब 10% भी नहीं, खुद वो हार गया एक जगह से, और दूसरी जगह से खड़ा था वहां बेईमानी करके 1500 वोटों से जीता किसी तरह, वरना लोगों ने उसको सबक सिखा दिया। तो चौटाला जो इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर बैठ लाया वो अभी सड़क पर है। ऐसे ही दिग्विजय सिंह जिसने बैठ का कानून पास किया मध्य प्रदेश में, वो भी सड़क पर है। चंद्रबाबू नायडू जिसने वैट के समर्थन में यात्रा निकाली थी आंध्र प्रदेश में, वो भी हार गया। माने जनता ने हर उस नेता को हराया है जो वैट के समर्थन में है। तो आप क्या करें, आप इतना ही करें कि आपके मुख्यमंत्री को 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखें और उनको कहें कि आप अगर वैट लाए छत्तीसगढ़ में तो चौटाला का ध्यान रखिए, चंद्रबाबू नायडू का ध्यान रखिए। मैंने तो किया, मैंने तो 3 बड़ी सभाएं बैठ के बारे में किया, रायपुर में किया, धमतरी में किया, कार्ड के लिए भी मैंने हर जगह कहा, कार्ड चालू भी हो गया धमतरी में, तो चालू हो गया कार्ड लिखना। आप भी लिखिए 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को लिखिए कि हम बैठ नहीं चाहते, और अगर आपने लाया तो चौटाला का ध्यान रखिए। हाँ, हर एक मुख्यमंत्री को एक ही चीज से डर लगता है, कुर्सी गई, सत्ता निकली हाथ से, तो एक ही चीज से डरता बाकी के सीजन। तो आप इतनी चिट्ठी लिख दें, 10-12 हजार चिट्ठी पहुंच जाए रायपुर में, उतनी सफिशियंट है ये बताने के लिए
कि छत्तीसगढ़ की जनता वैट नहीं चाह रही। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो इतना आप जानते ना, दादा है, गुंडा है बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव का तो आप सोच रहे, वो तो बिल्कुल गुंडा आदमी, और उसने बोल दिया था कि मैं तो वैट लागू करके मानूंगा, और उसने वैट लागू करने का जो कैलकुलेशन किया वो दूसरा था। उसने सोचा मैं वैट लागू करूंगा, सोनिया गांधी खुश हो जाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी लागू करवा रही है दिल्ली से, तो सोनिया गांधी खुश हो जाएगी तो मेरी सरकार चलती रहेगी, कांग्रेस मुझे तकलीफ नहीं करेगी उत्तर प्रदेश में। इसलिए आज विरोध इतना हो गया है उत्तर प्रदेश में कि मुलायम सिंह को कहना पड़ा कि जब तक व्यापारी हानि करेंगे तब तक मैं वैट नहीं लाऊंगा। और मुलायम सिंह ने कहा तो फिर मायावती ने कहा, मायावती उसके अपोजिशन में, उसने भी कहा कि मेरी भी सरकार आएगी तो वैट नहीं लाएगी, वैट तभी आएगा जब व्यापारी हां करेंगे। तो यही अगर पूरे देश में हो जाए तो अच्छा है। और व्यापारी हां किस पर करें, व्यापारी कहें कि सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करो तो वैट लाओ, और मैक्सिमम टैक्स रेट 6% करो, और सिंगल पॉइंट टैक्स करो, तीन डिमांड आप रख दो तो देश में बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो जाए तो हर वस्तु आज जिस कीमत पर मिल रही है उसकी 50% सस्ती हो जाएगी, 10 रुपए की चीज 5 रुपए में, 5 रुपए की 2.5 रुपए में, 2.5 रुपए वाली 1 रुपए में, क्योंकि टोटल टैक्स हिंदुस्तान में 64% के आसपास बैठता है आज। अगर हम इसको खत्म करा लें और एक सिंगल पॉइंट वैट करा लें, बहुत सस्ती हो जाएंगी सब चीजें, और महंगाई कम हुई तो गरीब से गरीब आदमी आसानी से जिंदा रह सकेगा, आराम से जिंदा रह सकेगा। तो ये एक अच्छा मौका है जब हम पूरे देश में ये बहस चला सकते हैं, और ये बहस चलाने में आप सब लोग कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हैं। इतना ही करें कि सबको ये बताएं है? सिंगल पॉइंट टैक्स होना चाहिए, दूसरा अधिक से अधिक टैक्स की दर 6% होनी चाहिए, और तीसरा सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होने चाहिए, टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म होने चाहिए, एक ही टैक्स होना चाहिए वैट, 6%। और एक और कर सकें तो करिए कि वैट देने वाले व्यापारी कर्मचारी का पूरा टैक्स इकट्ठा होना चाहिए, कस्टोडियन के रूप में सरकार उसकी जिम्मेदारी ले, मालिक नहीं है उसकी, व्यापारी को किसी दिन तकलीफ आई, संकट आया तो टोटल टैक्स उसको वापस मिले ताकि वो नया व्यापार शुरू कर सके, जो सभी यूरोप के देश में है वो यहां भी होना चाहिए। तो फिर ये देश में आप देखिए, यही देश सोने की चिड़िया हो सकता है बस इतना परिवर्तन होने से। इसमें नुकसान क्या होगा, सरकार के पास टैक्स कम जाएगा तो अच्छा ही है, वो समाज में पैसा ज्यादा रहना चाहिए, सरकार के पास कम रहना चाहिए, सरकार के पास जितना कम पैसा जाए उतना समाज के लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, वैसे ही आप टैक्स दे रहे हैं तो आपका जमा है पैसा, जरूरत पड़े तो आप निकाल सकें, सरकार आपके जमा पैसे को इस्तेमाल करे और उस पर ब्याज दे, आपको इंश्योरेंस पे करे, ये है। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछे। एक इन्होंने एक सवाल पूछा फिर आप। हाँ सरकार कस्टोडियन है तो सरकार जब कस्टोडियन है तो उस पैसे का इस्तेमाल करती है देश के विकास में ब्याज के बदले। आपने जो पैसा जमा कर दिया सरकार उसको लेगी और उसमें आपको ब्याज देगी, जब आपको जरूरत पड़े पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सभी यूरोप के देशों में। सरकार माने टैक्स की मालिक नहीं है, मूल बात यह है, मालिक वही है जो दे रहा है, उसने सरकार के पास रखने को दिया है ताकि सरकार इसका इस्तेमाल कर सके। हाँ हाँ करिए ना, इस पर बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है पूरे देश में, सारा व्यापारी समाज आपके साथ आ सकता है, औद्योगिक समाज आपके साथ आ सकता है, करिए इस पर जबरदस्त मूवमेंट हो सकता है। नहीं नहीं छत्तीसगढ़ में होगा, आज अगर आप विरोध करेंगे तो लागू नहीं होगा,
हाँ जरूर जरूर अच्छा हाँ इनका एक प्रश्न है 1947 में एक रुपया एक डॉलर था, आज एक डॉलर में 45, 43, 44 रुपए कुछ पैसे कैसे हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत कर्ज मुक्त देश था, बिना कर्ज के देश था भारत, एक पैसे का भी कर्ज नहीं था। तो जब किसी देश पे कर्ज नहीं होता है तो उसकी करेंसी की कीमत सबसे ज्यादा होती है। फिर हमने कर्ज लेना शुरू किया 1952 में, 1957 में, 1962 में, तो कर्ज बढ़ते बढ़ते आज इतना हो गया है कि कर्जे का ब्याज भरने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो इस कर्ज के चक्कर में हमारी करेंसी की कीमत गिर गई और आज हमारा 44 रुपया 1 डॉलर हो गया है। अगर हमने कर्ज नहीं लिया होता तो आज भी 1 रुपया 1 डॉलर ही होता, और अगर 1 रुपया 1 डॉलर होता तो क्या होता, तो पेट्रोल हिंदुस्तान में 70 पैसे लीटर होता, डीजल 35 पैसे लीटर होता, रसोई गैस का सिलेंडर 10-12 रुपए में मिलता, अमेरिका जाना और अमेरिका से वापस आना 300 रुपए में हो जाता, पूरे भारत का चक्कर लगाना हो तो ज्यादा से ज्यादा 100-125 रुपए खर्च होता, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मुश्किल से 500 रुपए का खर्चा होता 5 साल में, डॉक्टर बनने के लिए 700-800 रुपए का खर्चा होता। आप सोच सकते हैं ये सब होता अगर हमने कर्ज नहीं लिया होता, 1 डॉलर 1 रुपया होता। जब पहला मनाया देखा था अंग्रेज लोग पहले हमारा देश तो आजाद हो चुका है, तो हमारा देश के नेता लोग बने उसको तो बिल्कुल सही बात है। इनका ये प्रश्न है कि जब अंग्रेजों से भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो ये सब कानून रद्द कर देने चाहिए थे। हाँ वही नहीं किया, इसे एक भी कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ भारत में आज तक रद्द नहीं हुआ। गांधी जी इसी पे नाराज थे। गांधी जी ये कहते थे कि अंग्रेजों को रहना हो तो भारत में रहें, लेकिन अंग्रेजियत समाप्त होनी चाहिए। अंग्रेजियत का माने यही कानून व्यवस्था जो अंग्रेजों की बनाई हुई है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि गांधी जी को मार दिया और अंग्रेजों को भगा दिया और अंग्रेजियत को रख लिया। यही तीन बातें गांधी जी पढ़ा था मैं उसके बारे में, जो उसका पीएफ का ग्यारह कवर था, उसको मालूम था, उसको बता दिया था, कोई गंत ने पेपर में पेपर आउट करा। जी हाँ, जितनी बातें अभी बताई, हम भारतीय जो है ये लड़ने से और एकजुट होने से बहुत डरते हैं। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे किसी भी कानून का, किसी भी व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकते। आज हम जो है अलग अलग व्यवस्थाओं में, हमारे जाति पे, बोलचाल पे, धर्म पे, हम जो है एक दूसरे को टॉर्चर करते रहते हैं। जब तक हमारे में एकजुटता नहीं आएगी, व्यापारी हो चाहे किसान हो, चाहे किसान हो चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो चाहे जो भी हो, एकजुटता नहीं आएगी, धर्म से बातों का विरोध नहीं कर सकते। एकजुटता आएगी अगर हम कोई एक काम ऐसा करें जो सब करें, कोई एक काम हम तय करें, जो आप भी करो, मैं भी करूं, किसान भी करे, मजदूर भी करे, सब करें, तो एकजुटता आ जाएगी। तो एक काम कोई तय कर ले, मान लें वैट का विरोध है, ये सब करें तो एकजुटता आ जाएगी, या WTO का विरोध सब करें तो एकजुटता आ जाएगी। भारत के लोगों में एकजुटता जो आती है वो काम के आधार पर आती है। जैसे आजादी की लड़ाई, बहुत सारे क्रांतिकारी थे, बहुत सारे संगठन थे, लेकिन सब एकजुट थे कि आजादी चाहिए, अंग्रेज हमें नहीं चाहिए। तो उसमें नरम दल भी था, गरम दल भी था, मध्य मार्गी भी थे, सब मार्गी थे, और अंत में एक चीज पर सहमत थे कि अंग्रेज नहीं चाहिए, जाने चाहिए, तो अंग्रेज चले गए। ऐसे ही बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं एक बात पे एकजुट हो जाएं कि वैट नहीं चाहिए, या गेट नहीं चाहिए, या WTO नहीं चाहिए, तो एकजुटता आ जाए। संशोधन इनको जरा संविधान जो बनाया है वो आज भी संशोधन हो सकता है। हाँ
इसमें सब हो सकता है, तो करना चाहिए नेतालों को। हाँ करना चाहिए, लेकिन करा नहीं ना, करना चाहिए। आप जैसे मेरे जैसे लोग अगर दबाव डालेंगे तब करेंगे। पब्लिक तो जानती नहीं है। नहीं पब्लिक नहीं जानती। गाँव में अगर मैं आपकी बात बताऊँ, एक सिंपल बात पियो बच्चा बोलता है और राजनीति चित कहकर कहने दो बोलता है और मेरे को उल्टा बुलाता है। मैं नहीं तो मैं चाहता हूँ कि आपको प्रोग्राम टीवी रेडियो में आना चाहिए, जिसका दूसरा प्रोग्राम है उसी तरह आपका ही प्रोग्राम है। कम से कम आधा घंटा को कोई आदमी सुने आपकी बात तो लगे चले उसे क्या होता है। वो तो मालूम आप बता रहे हम समझ गए, जिसको हम गाँव में जाकर अपने दोस्तों को बताएंगे तो नहीं समझेगा। नहीं इसमें ऐसा ही है, ये जो आप कहते हैं बताओगे ना तो आदमी को धीरे 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 कुछ बात समझ में आएगी। अगर संस्कार संस्कार चलो तो संस्कार में दिखाया जाए ये सब आस्था चैनल में दूरदर्शन में भी आएगा देखेंगे। आदमी अगर ऐसा टाइम फिक्स करे आराम बजे 8:30 बजे 8 बजे 7 बजे आधा घंटे भी प्रोग्राम होगा। रेडियो का कार्यक्रम है आदमी सवेरे से कृषि वाले चार सवेरे 8 बजे खेत जाते हैं, तो अगर 7 बजे भी आ गए ना तो घर काम करके सुन सकते हैं या शाम को 7 बजे 7:30 बजे। तो आदमी को सबसे बड़ी जानकारी के अभाव, मेरी सब जानकारी के अभाव तो जब तक आदमी जानेगा नहीं। अभी मैं मेरे गाँव में वैद के बारे में पूछा कई आदमी को और बड़े शिक्षक को कई आदमी को बड़े बड़े आदमी को पूछा तो बोलता मुझे पूछा क्या है वैट, मैं बताया उसके बारे में वैट एक गाइड करा जनता का था जो टैक्स लगने वाला है अतिरिक्त टैक्स अपने ऊपर, तो वो बात कुछ उससे समझ पड़ी। इनका बस इनका मैं एक ही है, इनका एक सुझाव है कि ज्ञान नहीं है लोगों को, जानकारी का अभाव है। अगर जानकारी ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो ये हो सकता है, तो ये मुख्य है। ये आप सब इससे सहमत हैं है ना। अब इसका रास्ता निकालें हम, क्या रास्ता हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी कराने का एक रास्ता इन्होंने बताया कि टीवी चैनल पे ये बताया जाए, विचार क्रांति चैनल शुरू किया जाए। तो एक टीवी चैनल शुरू करें अपना, आपका कार्यक्रम टीवी रेडियो में आना चाहिए साल भर कंटिन्यू। आपका कार्यक्रम आ गया देखो आदमी क्या होता है, आदमी बाहर निकल अधिकारियों ने माने। हम गंभीरता से इस दिशा में सोचें कि टीवी चैनल शुरू किया जाए इस काम के लिए, ठीक है। कितने दिन रहेगा आपको प्रोग्राम, 7 बजे का प्रोग्राम कर कितने दिन रहेगा वो प्रोग्राम, मजबूरी में देखना पड़ेगा आदमी। अब कितने दिन नहीं समझेगा, 5 दिन समझेगा, 10 दिन समझ में आ जाएगा। नहीं बहुत तो नहीं चाहिए, 1.5 करोड़ रुपए से टीवी चैनल शुरू हो जाता है और हर साल 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। 1.5 करोड़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और हर साल के लिए 10 लाख रुपए का खर्चा है। यहाँ से और दूसरे रास्ते हैं, बहुत सारी स्वदेशी कंपनियों से विज्ञापन लिए जा सकते हैं। जो कार्यकर्ता है उससे अपनी नहीं, तो एक दूसरा रास्ता है कि एक एक किसान से 1-1 रुपया लें, ठीक है, तो 10 लाख किसान हर रोटेशन में इकट्ठा करके दें तो चैनल चलता रहे, तो 5-7 साल तो चल ही जाएगा। इतने किसान तो है, 1 रुपया तो दे ही देंगे। 5 साल कार्यक्रम चलेगा, देश दुनिया का पूरा नेता लोग चले जाएंगे इनका बहुत आत्मविश्वास है। मेरे मामले में सफल क्या है अगले मॉर्निंग
ये तो सुझाव था आपका है कि आप जब आपके अभी और जो हमारे नेताओं और दर्शन विधायकों के माध्यम से जो हमारे असिस्टेंट जो रखा हुआ है बोलिए भारतीय बोलिए उसको हम लोग राष्ट्र संपत्ति घोषित करने के लिए हम लोग हम लोग बहस करना पड़ेगा सदन में बात करना पड़ेगा जिसको अभी तक कोई किसी जगह पहल नहीं हुआ उसके लिए हम लोग कोई भी चरण नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी एक मूवमेंट कर रहे हैं कोई भी मूवमेंट हो तो हम लोग को रहने वाले भारतीय नेता भारतीय दर्शन विधायक का जो होती है राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए हमें उन्होंने दबाव है जिसके लिए हो जाएगा तो उतनी उनकी हमारेगा जितना हमारे विदेशी बजाय हर लाख खड़ा समाप्त हो जाएगा। इसके लिए अलग से उस पर्टिकुलर उस मूवमेंट को चलाना चाहिए उसके लिए सफलता दोनों पर चलने लगे तो उसके लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि उस बात को आप अलग से जरूर उठाइए और खासकर पुलिस रहने वाले जो विदेश मुद्रा है भारतीय मुद्रा है उसको हम लोग राष्ट्र संपत्ति घोषित करने के लिए मूवमेंट को और मूवमेंट का एक उपक्रम बना दिया है कि उस जनपद तरीके को कैसे आगे बढ़े जब तक उसका जनपद कार्यक्रम नहीं बनाएंगे हम लोग उसी की आदर्श सफल नहीं पड़ेगा और दबाव बना। अभी तो जो स्विस बैंक का है ना उसके साथ इसको भी जोड़ दिया जाए कि ये अंग्रेज जितना लूट के ले गए वो भी वापस लाए और अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसियों ने जितना लूटा है उनसे पहले पुर्तगालियों ने जितना लूटा है और जो धन उनके यहाँ आज भी पड़ा हुआ है जैसे मैंने बताया ना टीपू सुल्तान की तलवार और ये भी अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो ये धन बहुत है। इसमें भी बना ठीक इनको माइक दे दो मेरा प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ में जो कृषि भूमि का रेट काफी कम है जैसे 30,000 रुपए प्रति और यही जैसे हरियाणा में लाखों रुपए वहाँ के किसान यहाँ आते हैं वहाँ की जमीन बेचते हैं और यहाँ 100 एकड़ एक प्लांट खरीद के कार्ड बना छोटे छोटे किसानों से वसूलते जो छोटे छोटे किसान है चारों भूमि को नहीं करेंगे तो बीच वाला किसान मजबूर हो जाएगा ऐसे में जो जितनी भी भूमि हरियाणा वाले को ऐसे में यहाँ के किसान क्या करेंगे। देखिए ये सवाल बहुत महत्व का है इनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ की जमीन की कीमत बहुत कम है हरियाणा से कुछ लोग आते हैं और यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन एक साथ खरीद रहे तो यहाँ के किसानों का क्या होगा। अभी तक तो ये समस्या हरियाणा की है अभी अगले साल से तो छत्तीसगढ़ में विदेशी कंपनियां आके सीधे जमीन खरीदने वाली है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो लैंड सीलिंग एक्ट है वो अभी खत्म होने जा रहा है सभी राज्यों के लैंड सीलिंग एक्ट खत्म होने जा रहे हैं। पहले क्या होता था लैंड सीलिंग कानून के चलते शहर वाला गांव की जमीन एक लिमिट से ज्यादा नहीं खरीद सकता था और कई राज्यों में तो खरीद ही नहीं सकता था। अब सरकारों ने लैंड सीलिंग के कानून खत्म करने शुरू कर दिए और अगले साल से तो विदेशी कंपनियों को अधिकार मिलने वाला है वो चाहे जितनी जमीन खरीदे। इसलिए इस पर तो बहुत गंभीर आंदोलन और जागृति की जरूरत है। ये सिर्फ हरियाणा का सवाल नहीं है ये पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों की जमीन विदेशियों के हाथ में भी जा सकती है इसका भी डर है। हरियाणा वाले तो चलो अपने ही देश के नागरिक हैं लेकिन अब विदेशी आकर जमीन लेंगे तब क्या होगा। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में इन प्रश्नों पर जागृति होनी चाहिए और जागृति होने के लिए आप जैसे लोग मैं तो साल में एक बार आता ज्यादा से ज्यादा 2 बार आ सकता हूं इससे ज्यादा आना मेरे लिए मुश्किल है।
आप लोग अगर इन सब विषयों पर थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लें, अभ्यास कर लें, तो आप पूरे साल घूम सकते हैं छत्तीसगढ़।